स्वागत है आपका सत्य न्यूज वेब टीवी में। आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। अपने अजीबो गरीब व बेतुके बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले आजमगढ़ के पूर्व सांसद रमाकांत यादव का एक बार फिर बेतुका बयान सामने आया है। इस बार उनका बयान कोरोना को लेकर है। समझा जा रहा है कि रमाकांत यादव ने यह बयान सुर्खियों में रहने के लिए दिया है। आखिर रमाकांत यादव इस तरह का बेतुका बयान देकर साबित क्या करना चाहते हैं? इस बेतुके बयान पर सरकार को रमाकांत यादव के खिलाफ उचित कदम उठाना चाहिए। कोरोना एक छलावा है, कोरोना एक बहकाने वाला मामला है, कोरोना का अफवाह इसलिए उड़ाया गया। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि हमारे देश में एक भी व्यक्ति कोरोना से मरा हो तो बताइए आप। अपने अजीबोगरीब व बेतुके बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले आजमगढ़ के पूर्व सांसद सपा नेता रमाकांत यादव ने कहा कि सीए और एनआरसी के मुद्दे से भटकाने का छलावा है कोरोना। अपने अजीबोगरीब बयान में रमाकांत यादव ने कहा कि कोरोना संक्रमित को वह गले लगाने के लिए तैयार हैं। बता दें कि भारत में कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है, लेकिन सपा के इस नेता को यह संकट छलावा लग रहा है। कम हो चुके राजनीतिक दीपक का लौ देख रमाकांत यादव कोरोना जैसे मामले पर इस तरह का बेतुका बयान देकर शायद मीडिया के सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। शायद इसी वजह से रमाकांत यादव ने इस तरह का बेतुका बयान दिया है, जबकि इसके संक्रमण से देश में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इस संक्रमण को रोकने के लिए सरकारें उचित प्रयास कर रही हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा अन्य शख्स इस दौरान घर से बाहर नहीं निकले। लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद का यह अजीबोगरीब बयान सामने आया है। आजमगढ़ से पूर्व सांसद और सपा नेता रमाकांत यादव का कहना है कि कोरोना एक छलावा है, इसे एनआरसी सीए और महंगाई के मुद्दे को भटकाने के लिए उछाला जा रहा है। रमाकांत यादव ने कहा कि दुनिया में कोरोना हो सकता है लेकिन भारत में नहीं। उन्होंने कहा कि वो कोरोना संक्रमित व्यक्ति को गले लगाने को तैयार हैं। रहा अभी आप लोगों ने कोरोना का चर्चा किया, मैं देख रहा हूँ आप मास्क लगाए। कोरोना एक छलावा है, कोरोना एक बहकाने वाला मामला है, कोरोना का अफवाह इसलिए उड़ाया गया। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि हमारे देश में एक भी व्यक्ति कोरोना से मरा हो तो बताइए आप। अगर जिसको कोरोना हुआ लोग कहते हैं 1 मीटर दूर रहिए, मैं कहता हूँ लाइए मैं गले लगाता हूँ। ये केवल एनआरसी के लिए, सीए के लिए, महंगाई को भटकाने के लिए धरना प्रदर्शन न करें, इसके लिए एक बहकाया जा रहा है कोरोना 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 कुछ नहीं है। सरकार तो बाकाती है। एक तरफ कह रहे हैं कहीं कोई इकट्ठा ना होने पाए, दूसरी तरफ कह रहे हैं अयोध्या में 10 लाख लोगों की भीड़ होनी चाहिए। बोलिए, दो मामले सामने आए कि नहीं? विश्व में है लेकिन इंडिया में नहीं है, और न इंडिया में आएगा, न इंडिया में है, न रहेगा। 200 से ज्यादा मामले आ चुके हैं सामने। आप 200 को मेरे पास लाइए, मैं ठीक करता हूँ, अपने घर लगा कर रखूंगा, एक इंच दूर नहीं रहूंगा। मीटर बात छोड़िए, ये तो केवल गुमराह किया जा रहा है आम जनता को कि इनका मन एनआरसी से, इनका मन सीए से, इनका मन धरने से, प्रदर्शन से, विकास दर जो घटी उससे हट जाए इनका मन, कोरोना के नाम पे बाका किया जाए। भाई प्रधानमंत्री आप ही लोग कहते हैं, दुनिया में 2 लोग सबसे बड़े झूठे बोलने वाले हैं, ट्रंप और माननीय मोदी जी। आप लोग कहते नहीं कहते हैं बताइए। ये कहा जा रहा है इमरजेंसी कोरोना की लगेगी, हैं? बड़ा शर्म लगती है। मैं कहता हूँ जिन लोगों को कोरोना हुआ है, सरकार से भी अपील करता हूँ, आप लोग मेरे पास लाइए, मैं दवा भी करूँगा, अपने पास गले गला मिला कर रहूँगा, मुझे कोरोना पकड़े तो मैं जाऊँ।